If you like it, please share the video with your friends and family and subscribe to our channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम सुबह का कर रहे हैं अपना नाश्ता और मैं बना रही हूँ पीनट बटर को. यहाँ पे टोस्टर नहीं है तो पीनट बटर ब्रेड को मतलब पैन पे सेक के पीनट बटर. काशू के लिए बनाए हैं ओट्स और अपने लिए मैंने दूध गर्म किया है. उसमें साथ में मैं लूंगी कुकीज. और वैसे आज चाय का काफी अच्छा मौसम है. बाहर हल्की हल्की शावर हो रही है और है ठंडा ठंडा मौसम. तो बस ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे कहीं बाहर घूमने के लिए और दिखाते हैं आपको क्या एक्सप्लोर करते हैं आज. What Kashi doing? Is that disturbing you, Kashi? अभी हम जा रहे हैं बलफ घूमने के लिए क्योंकि नवर कारगिल आए हैं तो बलफ काफी पास पड़ता है और बारिश अभी आ रही है. बारिश कल रात से ही हो रही है और अच्छा करा दीपक ने कि कैंप साइट से हमने अपनी साइट जैसे मॉडल में चूज कर ली थी. अभी दो दिन के लिए यहीं रहेंगे. आज की रात भी हमने यहीं रुकना है. तो बस अभी निकल रहे हैं बलफ के लिए और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी. बलफ इज हेयर. वेक अप. ये क्या चीज़? कैसे मुंह खोल के सो रही है ना. पहुंच गए हम न्यूजीलैंड के आखिरी पॉइंट पे. बारिश हो रही है. हम ब्लफ में हैं और ब्लफ का ये लास्ट पॉइंट है स्टीरलिंग पॉइंट लाइट हाउस इसका नाम है. और यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाई गई है कि कहाँ पे आप जा सकते हैं वो सब. तो और मोस्टली यहाँ पे लोग आते हैं और फेरी लेते हैं स्टीवर्ड आइलैंड के लिए जो बिल्कुल पास में आइलैंड पड़ता है. बस उसके बाद न्यूजीलैंड का इधर आसपास कुछ नहीं बचता. काफ़ी ज़्यादा बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है. देखिए सामने बिल्कुल बादल इतने अच्छे लग रहे हैं. और अगर ये सही होता तो अलग ही मज़ा आता. काशू फिलहाल सो रही है गाड़ी में ही है. काशू का मन नहीं कर रहा आने का. और हम यहाँ पे इतना दूर ट्रेवल करके आए हैं तो बारिश में निकल के बाहर एक बार देखने का तो मन था. बट अच्छा लग रहा है एक बार बस बाहर निकलने की देरी है तो बारिश को भी इंजॉय करते हैं. Please. Can I have one bite, please? No. Please. No. Little one. No. You're my darling, na? No. It's for me. Yeah. Why not for daddy? Because he hurt you harder. That's why. And I hurt lesser. That's why. Yeah. Kashi, can I give him little bite, Baba? No. If you no, okay, here you go. It will hurt you harder. Okay. आइलैंड के लिए ऐसे फेरी जाती है यहाँ से ब्लफ से. और स्टीवर्ड आइलैंड काफी अच्छा है. अगर आप वॉक करते हैं तो पूरा आप इंजॉय करते हैं सीनिक व्यू को वॉक के थ्रू. Because he like enjoying wine to you and me. But why? Because he enjoyed doing that. Oh. And what daddy doing now? Now he's cutting his nails because he needs a small nails like me. But why in the last point of New Zealand? Why not in the motel? It's a memory. Is it?
Is it memory for daddy? I don't think so. It's just a memory. So what's that? What's that? Why daddy doing that and the last point of New Zealand? Because I want to donate my nails here. पानी में भी गोया हो पहले समुंदर के में मेमोरी तो तब बनती ड्रिंकिंग सम हॉट ड्रिंक नाउ बट इट विल बर्न माय नो आई एम टॉकिंग अबाउट मी एंड डैडी लाइक यू एंजॉय योर चॉकलेट कैन वी एंजॉय सम हॉट ड्रिंक नो आई डोंट वांट नो मी एंड डैडी कैन ड्रिंक हॉट ड्रिंक नॉट टू बर्न योर माउथ तो स्टीलिंग पॉइंट को बाय बाय कहते हुए हम निकल पड़ते हैं अभी आगे की जर्नी के लिए और जाके रुकेंगे कहीं हॉट ड्रिंक के लिए कॉफी पीनी है अभी हमें अभी हम ब्लफ हिल पे आ गए हैं सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है ये जहाँ से पूरा शहर देखा जा सकता है लेकिन आज बारिश की वजह से और बादलों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल बादल ही बादल हैं You wake up? No, still sleepy too much? Yes. Because I'm having a fever and a headache. Oh, so it means you are not gonna go to the splash park today? No. We are planning to take you to the splash palace. Where you can play with the water. So no play? Shall we go home now? Where? Splash palace. But why are you saying you are having headache and fever? Hmm? Are you going to put some water inside? Yes. And can I throw that balloons on you? Oh no. Yeah. I will put some water in. And mommy, look, mom. What I got? Oh, a sticky man. Same again? Yes, you can have it. And can I hold that one? Yes. लंच के लिए फिर से आ गए हैं सबवे पे कल सबवे हमें इतना ज्यादा टेस्टी लगा उन्होंने काफी अच्छे से फीलिंग डाल के बना रखा था तो अभी जा रहे हैं दीपक सबवे लेने के लिए और फिर हम जाएंगे पहले घर क्योंकि मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है और चप्पल भी चेंज करनी है फिर उसके बाद हम जाएंगे काशू के फन के लिए स्प्लैश पैलेस और बलून काशू ने ऑलरेडी ले रखे हैं काफी एक्साइटेड है काशू इनके साथ खेलने के लिए और साथ में पियेंगे घर जाके एक चाय फिर स्प्लैश पार्क 9 बजे तक खुला रहता है वेट वेट काशवी आई फिक्स इट वेट मामा प्लीज कैन आई गिव यू एट होम बाबा नाउ लुक डैडी इज गोइंग टू गेट द सबवे वंस ही विल बी बैक देन वी विल गो स्ट्रेट टू द होम And I got a heaps of beetroot for you. And I give you a plate full of beetroot. Enjoy eating beetroot? Yeah, but I'm ready to eat my beetroot. No, Papa. Daddy is going to get some more food. But I'm ready. People are going to say that we eat very little. No, Baba, it's me and Daddy are sitting as well. I'm see? Also sitting down too much, Baba. And Daddy driving as well. We are just sitting down and relaxing. But we'll be home soon. बीटरूट काशू को काफी पसंद आता है बीटरूट और बाय द टाइम मैंने रखी है चाय बनने के लिए बार बार गिर जाता है तो काश को मुश्किल हो रही है खाने में यू कैन आई दैट्स व्हाई आई वॉश योर हैंड यू कैन यूज योर हैंड टू ईट इट काश्वी
और बीटरूट था इस कैन में, बाय लक मुझे ये जो ओपनर है यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे काफ़ी सारा इन्होंने सामान रखा है, जैसे कटलरी का सारा ही सामान है। सीजर से लेके कैन ओपनर्स तक, तो सारी कुछ तो चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे पता भी नहीं है। ये मैशर है जैसे, ये पता नहीं कोई डिफरेंट की मशीन हो, ये वो है अगर किसी ने कुछ बेकिंग वगैरह करनी है तो क्रीम को व्हिप करने के लिए। तो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो साथ बन रही है मसाला चाय। कड़क चाय बनाने के लिए हम, जैसे अभी 2 कप चाय मैं बना रही हूँ, तो मैंने 4 पैकेट मसाला टी बैग डाले हैं। और ये टी बैग का ये फ़ायदा है कि इसके ऑलरेडी अंदर सारे मसाले होते हैं, तो कुछ भी अलग से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पानी और ये मसाला और दूध और चीनी और डन। साथ में बना रही हूँ काजू के लिए नूडल्स, क्योंकि सब्वे कई बार जैसे काजू पूरा अच्छे से इंजॉय करके नहीं खाती, तो अभी उसने कहा है कि उसको नूडल खाने, फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, मतलब उसको सब्वे भी खाना हो तो सब्वे भी खा लेगी। फ़िलहाल उसने खाए हैं बीटरूट, और तब तक मैं साथ बना देती हूँ नूडल्स और बस हमारा लंच फिर हो जाएगा शॉर्टेड। तो काशू के नूडल अलमोस्ट बनने वाले हैं, इधर चाय भी अलमोस्ट रेडी है। काशू चिल्ली कम खाती है तो मैंने चिल्ली थोड़ा सा बचा लिया है, मतलब मैं फेंक ही दूंगी अभी इसको। और ये अच्छी बात है, यहाँ पे डस्टबिन वगैरह सब साथ में होता है। और काशू ने अपना क्रॉलिंग निंजा निकाल लिया खेलने के लिए। शोमी शोमी काशवी, that's really good, Kaju. And now they're doing down dog. Yes, now they're doing yoga down dog. और एक चीज़ अच्छी जो मुझे लगी यहाँ पे किचन के साथ में, जो फैन एग्जॉस्ट होता है नॉर्मली जैसे हमारे घर में किचन में ऊपर होता है, लेकिन ये साथ में दे रखा है, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो सारा धुआं साथ में ही चला जाता है साइड से। ओके काशी, डू इट अगेन। ओके, हे बी गो। You enjoying? Now they are. Now they are fold. Now they are fold. Now they're doing folding yoga. Now they are matching with 2 legs. Okay, show me again. Show me again. इसका शुगर भी विनर नाम पाकी पाकी। And I'll also finish my water. Don't do पाकी पाकी for me. I haven't finished my water yet. Okay, okay. Finished? Packy, yeah, packy. Oh, still more. Can you open it? I think you can drink it if you keep it straight like that and try to drink it. Yes. Oh, bulpy, bulpy. Gosh, it's too full now. ठंडी हो गई थी तो अभी मैं कर रही हूँ माइक्रोवेव। और ये मैंने पहली बार मिट्सुबिशी का माइक्रोवेव देखा है, इससे पहले मैंने कभी किसी के घर में और कहीं बाहर भी मिट्सुबिशी का माइक्रोवेव नहीं देखा है। तो फाइनली हम चल पड़े हैं स्प्लैश पार्क के लिए। देखा शुरू हुई फॉर स्प्लैशिंग स्प्लैशिंग या फॉर द ब्लू स्प्लैशिंग। ओके, लेट्स गो देन। कैश ले रहे हो ना? हाँ, एक पैकेट तो ले लो, मैं जाके लेके आता हूँ। हमने ले लिए फ्रेश चेरीज, अभी हमें फिलहाल 1 किलो ही लिए हैं, क्योंकि पता नहीं कितने जल्द मतलब ऐसे ख़राब ना हो जाए। कल हमें वैसे भी डेनेडन जाना है तो वहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने लड़की से पूछा कि ये कहाँ से आई है, तो इसने कहा था क्रोमवेल से आई है और 3 घंटे ड्राइव करके ये यहाँ पे स्पेशली अपनी चेरीज बेचने के लिए आई हुई थी। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ये है हल्दीराम। अच्छा, ये स्वीट हार्ट
काफी ज्यादा बड़े साइज की ये चेरीज हैं। अभी चेरीज का ही सीजन है, पीक टाइम है, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मार्केट में हमने देखा था पैकिंग सेव में भी, जैसे हमने एक जगह से ली थी और हर जगह मतलब ऐसे 15 से 17 डॉलर की किलो लगी हुई थी, लेकिन ये फ्रेश भी हैं और तो इसका एक खाने का अलग ही मजा है। यस, वी आर द स्प्लैश पैलेस। लुक मम्मी, देयर बहुत सारे बेड। ओह, फुल पार्किंग और ओके ऑलमोस्ट। ओह, इट्स रियली बिग काश्वी। जैसे स्लाइड करके आ रहे बच्चे। मजा आएगा, काश्वी अकेली कर लेगी। अब पता नहीं मेरे को जाने भी देंगे कि नहीं। टिकट ले लिए? नहीं, टिकट तो ले लूंगी, टिकट लेने के बाद भी, क्योंकि मैं उसमें फंस गई तो। लेट्स कम आउट। अभी मैं आई हूँ इंद्रकार्गिल के, यहाँ पे एक पूल है और इसमें जैसे स्लाइड करते हैं, तो मैं वो स्लाइड करने के लिए जा रही हूँ। मैंने वैसे ऑलरेडी काफ़ी सारी कर ली है, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड करके दिखाना चाहती हूँ कि कितना मज़ा आता है। काफ़ी अच्छा फन है। हालांकि ऊपर जाने के लिए 3 फ्लोर पे आपको वॉक करना पड़ता है, 3 जैसे एक एक, एक, एक बस स्टेयर क्रॉस करने के लिए मतलब लगभग 63 स्टेयर्स हैं जो आपको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है। 3 मंजिल जैसी ऊँचाई है ये, और फिर आप इसे स्लाइड करके आ सकते हो। आपको वेट करना पड़ता है, जब ग्रीन लाइट होती है तो आप स्लाइड कर सकते हो, और ऑप्शन है आपके पास, आप स्लो ले सकते हो, राइड फास्ट ले सकते हो, या फिर डोनट के अंदर बैठ के भी ले सकते हो। फिलहाल मैं जा रही हूँ इस बार स्लो के लिए, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में है और मैं इसको डुबोना नहीं चाहती। लेकिन मैंने ऑलरेडी फास्ट वाली भी करके देख ली और डोनट वाली भी करके देख ली, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो लेके चलती हूँ मैं आपको। ऑलरेडी आई थिंक मैंने अभी तक 12 टाइम कर ली है। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज का मुझे तरीका लगा, देखिए अभी सारी ग्रीन लाइट हो रखी है तो मैं किसी में भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास डोनट नहीं है तो साथ में फ़ोन है, तो स्लो वाली में जा रही हूँ। तो ये स्लो वाला है, ये फास्ट वाला है, और ये डोनट वाला है। तो अभी जाएंगे हम स्लो वाले में। फाइनली पूल से और स्प्लैश पैलेस से हम आ चुके हैं। इतना ज़्यादा मज़ा आया और काशु ने भी बहुत ज़्यादा खेला। हालांकि काशु को चांस नहीं मिला ऐसे स्लाइड करने का पानी के अंदर, क्योंकि एज लिमिट थी मिनिमम 5 ईयर के होने चाहिए, तो इसी वजह से। और स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता लग रहा था, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड ली तो मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, तो साइड में ऐसे चोट ऐसे लग रही थी, तो बाद में फिर किसी को देखा तो ऐसे बीच में हाथ करके ऐसे स्लाइड करना था। उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, फिर ऐसे करके जैसे फिश जैसे शेप हो जाती है, मतलब आपको अपने, क्योंकि पूरा ऐसे राउंड राउंड बना हुआ है ना, तो आपको अपने हाथ ऐसे रखोगे तो बिल्कुल आराम से स्लाइड कर सकते हो। और पहले मैं ऐसे बैठ के स्लाइड कर रही थी, फिर ओवर द टाइम जैसे बार बार राइड लेते हो ना, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो फिर उसमें मैं पूरा लेट के ऐसे कर रही थी स्लाइड, तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पूरा बैक में, नेक तक, बालों में, हर जगह पानी जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा फन था सच में। And was it fun for you today? Yeah, and guys, today I went to the small pool and was going over my mom. And then I was start splashing on my mom. Do you feel like to eat pizza? And how about you too? I can share pizza slice. With me? With daddy. And how about me too? You can eat pizza too. Sharing. Yeah. So you and me can share pizza from daddy's pizza. Daddy is gonna buy a big pizza. So you and me can share from that. Will that be a good idea? Because we got some Subway as well and some pie. Yeah. Good idea. अभी वो प्लेस कर रहे थे ऑनलाइन ऑर्डर, लेकिन उसमें वो एक्स्ट्रा $8 चार्ज कर रहे थे बिल्कुल सामने ही पार्किंग की। तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप के अंदर और मैंने करा है पिज़्ज़ा का ऑर्डर प्लेस।
कोम्बो ही लिया है मैंने, तो अभी 15 मिनट का वेट है, उसके बाद लेके हम जाएंगे। साइड में एक पार्क है, मेरा मन है कि काशु वहाँ पे खेल ले, और नहीं तो फिर हम जाएंगे सीधा घर पे। तो ऑर्डर बनके हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं घर, आई मीन अपने मोटल में। आजकल तो यही हमारा घर है, कभी टेंट कभी मोटल। सजा लिए टेबल पे अपनी फ्रेश चेरीज, और साथ में आ चुका है पिज्जा, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी। काफी ज्यादा डिलीशियस हैं ये चेरीज स्पेशली, और कलर देखिए आप, इतना मतलब इतनी ज्यादा मीठी चेरीज बस सीजन में ही आपको मिल सकती हैं, और एक्सपेंसिव भी नहीं है, वेरी डिलीशियस। काशवी दिस रेड वन स्पेशली, ब्लैक वन एंड रेड वन। Thank you so much guys for watching this video and vlog. I hope you like it. If you like it, please share the video with your friends and family and subscribe to our channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.